अबरे के बाद आपका स्वागत है और अब बारी मॉर्निंग नॉनस्टॉप की। जी हाँ, सुबह के 7:25 हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में मॉर्निंग नॉनस्टॉप में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में लोगों को पीट पीट कर हत्या कर देने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने बिना किसी घटना का हवाला दिए सवाल उठाया कि क्या ऐसी घटनाओं के प्रति हम वाकई सतर्क हैं? राष्ट्रपति मुखर्जी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को फिर से पेश किए जाने के अवसर पर नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों, बुद्धिजीवियों और मीडिया की सजगता ही पिछड़ेपन की ताकतों को रोक सकती है। Are you vigilant enough? I am not talking of vigilantism. I am talking of, are you vigilant enough proactively to save the basic tenets of our country? समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी के अध्यक्ष और कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियां और प्रियंका गांधी सहित गणमान्य लोग मौजूद थे।